नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं दिव्या राय। आइए नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। पत्रकार गौरी लंकेश मर्डर केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीन संदिग्धों की तलाश में जुटी टीम। दुनिया भर में गौरी लंकेश की हत्या की निंदा, लोगों ने सड़कों पर निकाला मार्च। कथित गौरक्षकों पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, हर राज्य में 7 दिन में टास्क फोर्स बनाने का आदेश। गया रोडरेज मामले में सजा का ऐलान, आदित्य सचदेवा के हत्यारे रॉकी यादव सहित 3 दोषियों को उम्र कैद। और लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 147 अंक फिसला, निफ्टी भी 9900 के करीब हुआ बंद। ये थी अब तक की सुर्खियां, रुख करेंगे आज की बड़ी खबर पर। कन्नड़ की वरिष्ठ महिला पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता गौरी लंकेश की बेंगलुरु में मंगलवार रात अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद कर्नाटक सरकार ने इस मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी है। कन्नड़ की वरिष्ठ महिला पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता गौरी लंकेश की बेंगलुरु में मंगलवार रात अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि राजराजेश्वरी नगर में जब वो काम से लौटकर अपने घर का दरवाजा खोल रही थी, उसी वक्त बाइक सवार 3 बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग की आवाज सुनकर जब पड़ोसी बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि गौरी खून से लथपथ पड़ी हुई है, जिसके बाद उन्होंने इस वारदात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। मामले की जांच कर रहे पुलिस कमिश्नर टी सुनील कुमार ने बताया कि गौरी के शव के पास से कारतूस के 4 खोखे बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि घटनाक्रम के आसपास मौजूद सभी सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने हासिल कर लिया है। मुख्य रूप से 2 सीसीटीवी कैमरों में वारदात के सुराग मौजूद हैं, जिसमें 3 संदिग्ध हत्यारे दिखाई दे रहे हैं। 5 सेकंड के विजुअल में साफ दिख रहा है कि एक शख्स जिसने सिर पर हेलमेट और काले रंग की जैकेट पहनी हुई है और वो गौरी लंकेश की तरफ फायरिंग कर रहा है। वहीं फॉरेंसिक एक्सपर्ट की माने तो 32 मिलीमीटर पिस्तौल से वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि गौरी लंकेश पत्रिका के संपादक और हिंदुत्व राजनीति की मुखर आलोचक थी। नवंबर 2016 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसकी वजह से बीजेपी सांसद प्रहलाद जोशी ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर कराया था। इस मामले में उन्हें 6 महीने की जेल हुई थी। कर्नाटक के पुलिस प्रमुख आर के दत्ता ने बताया कि लंकेश ने उनके साथ कई मुलाकातों के दौरान अपने जीवन पर खतरा बताया था। फिलहाल पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। वहीं पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। बेंगलुरु में बीती रात लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई में भी गौरी लंकेश की हत्या के विरोध में प्रदर्शन की तैयारी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। देश में कथित गौरक्षकों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आस्था के नाम पर हिंसा करने वालों पर लगाम लगाने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत ने भी केंद्र और राज्य सरकारों को दो टूक कह दिया है कि अब चेतावनी नहीं चाबुक चलना चाहिए। गौरक्षा के नाम पर बने संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त नजर आया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि हर राज्य में 1 हफ्ते के अंदर टास्क फोर्स बनाई जाए, जिसमें वरिष्ठ पुलिस कर्मियों को नोडल अधिकारी के रूप में रखा जाएगा। साथ ही कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है कि गौरक्षा के नाम पर कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं सुनवाई के दौरान केंद्र का पक्ष रखने वाले वकील ASG तुषार मेहता ने कहा कि कानून किसी भी प्रकार की अनियंत्रित घटनाओं को रोकने के लिए है। यह भी कहा गया कि देश के अलग अलग राज्यों में गौरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा को रोकना राज्य सरकारों का काम है। इस दौरान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने सवाल किया कि वो जानते हैं कि कानून है, लेकिन क्या कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार नियोजित कार्रवाई कर सकती है ताकि हिंसा को बढ़ावा ना मिले। इससे पहले इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र और 6 राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था। डीबी लाइव की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर पर। चीन दौरे के बाद पीएम मोदी का म्यांमार दौरा शुरू हो गया है। मंगलवार को पीएम मोदी अपने कार्यकाल में पहली बार म्यांमार पहुंचे थे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद आज स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची से मुलाकात की। इस दौरान भारत और म्यांमार के बीच कई समझौते हुए, जिसमें सबसे अहम आदान प्रदान का समझौता है।
बैठक के बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने रोहिंग्या मुसलमानों के पलायन को लेकर चिंता जताई। पीएम ने कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों का क्षेत्र रखाइन है। रोहिंग्या मुसलमान भारत में अवैध रूप से घुसपैठ कर रहे हैं, जो भारत के लिए बड़ी समस्या है। भारत म्यांमार की चुनौतियों को समझता है और शांति के लिए हर संभव मदद करेगा। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र म्यांमार के लिए भी काम आएगा। भविष्य में भी हमारे समझौते म्यांमार के हक में ही होंगे। आगे पीएम मोदी ने बतौर पड़ोसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के संदर्भ में म्यांमार के साथ रिश्ते मजबूत करना भारत की प्राथमिकता बताया। इससे पहले पीएम मोदी ने म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी, जिसमें दोनों पड़ोसी देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करने के कदमों पर चर्चा हुई थी। आपको बता दें कि म्यांमार के रखाइन प्रांत में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जातीय हिंसा की घटनाओं में तेजी आने के बीच प्रधानमंत्री की यह यात्रा हो रही है। भारत सरकार अपने देश में रोहिंग्या प्रवासियों को लेकर भी चिंतित है। भारत सरकार उन्हें स्वदेश वापस भेजने पर विचार कर रही है। समझा जाता है कि करीब 40,000 रोहिंग्या भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं। टीवी लाइव की रिपोर्ट। अब रुक करेंगे अगली खबर पर। पश्चिम बंगाल में आरएसएस के कार्यक्रम को इजाजत नहीं देने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था। एक बार फिर ममता सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। अब बीजेपी ने ममता सरकार पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के होने वाले कार्यक्रम के लिए जगह नहीं देने का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि उन्होंने अमित शाह के कार्यक्रम के लिए कोलकाता में कई जगहों के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनके कार्यक्रम के लिए कोई जगह तय नहीं हो पाई है। बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार संघ परिवार के नेताओं की अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाना चाहती है। खबरों के मुताबिक शाह 10 से 12 सितंबर तक कोलकाता दौरे पर रहेंगे, जिसके लिए 12 सितंबर को उनके कार्यक्रम के लिए नेताजी इंडोर स्टेडियम बुक किया गया था, लेकिन वहां किसी अन्य काम का हवाला देते हुए जगह नहीं दी गई। बीजेपी नेता रूपा गांगुली ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ममता सरकार हर मुद्दे पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि ममता सरकार ने कांग्रेस और लेफ्ट पर इस तरह की रोक नहीं लगाई है, बल्कि बीजेपी पर लगातार रोक लगा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक कार्यक्रम के लिए बंगाल सरकार ने इजाजत नहीं दी थी, जिसे लेकर राजनीति गर्मा गई थी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में अब बात जिद्दी उत्तर कोरिया की। हाल ही में किम जोंग के हाइड्रोजन बम के परीक्षण से दहशत में डूबे लोग अभी निकल भी नहीं पाए थे। क्या खबर है कि एक बार फिर बड़ा परमाणु परीक्षण करने की तैयारी में है, जिसे वो अमेरिका के लिए गिफ्ट बता रहा है। यूनाइटेड नेशंस में डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के एम्बेसडर हॉन तेई सोंग ने कहा कि मुझे ये बात बताते हुए खुशी हो रही है कि दो दिन पहले ही उत्तर कोरिया ने हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण हमारे देश की ताकत को और मजबूत करेगा। इस दौरान उत्तर कोरियाई अधिकारी ने एक बार फिर अमेरिका को आंख दिखाई। हाइड्रोजन बम परीक्षण को अपनी कामयाबी बताते हुए उन्होंने कहा कि अभी किम जोंग अमेरिका को और तोहफे देंगे, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। आपको बता दें कि हाल ही में उत्तर कोरिया ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है, जिससे पूरी दुनिया दहशत में है। इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने किम जोंग की कड़ी निंदा की थी। अमेरिका ने साफ कहा कि अब बहुत हो चुका, उत्तर कोरिया के खिलाफ कड़े कदम उठाने होंगे। अमेरिकी राजदूत निक्की हेली ने भी संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। वहीं अब खबर है कि उत्तर कोरिया एक बार फिर एक बड़ा परीक्षण कर सकता है। उत्तर कोरिया ICBM रॉकेट को पश्चिमी सीमाओं की ओर दाग सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए लॉग इन करें dblive.tv। नमस्कार।